देखिए ज़बरदस्त हमारे भंडारे वाले आलू रेडी हो गए हैं, लग रहे हैं ना लाजवाब। इसको ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा और फिर मुझे कमेंट कीजिएगा कि कैसे लगी आपको भंडारे वाले आलू की रेसिपी। अब हम इस पे करते हैं हरी धनिया से गार्निशिंग। ये देखिए परफेक्ट बने हैं हमारे भंडारे वाले आलू, सुपर। इसे ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा। नमस्कार, मैं प्रिया, प्रिया मसाला किचन में आप सबका स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया बढ़िया होंगे। चलिए आज हम बहुत ही एक खास रेसिपी बनाने वाले हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं भंडारे वाले आलू। सुन के ही मुंह में स्वाद आ जाता है कि आज हम भंडारे वाले आलू बनाएंगे। हम भंडारे में तो खाते हैं मगर घर में वो स्वाद नहीं बना पाते हैं। आज हम उसी स्वाद को बनाएंगे आलू और टमाटर से, है ना? ना प्याज ना लहसुन, बनाएंगे भंडारे वाले आलू, टमाटर वाले, रसे वाले। चलिए सबसे पहले ये मैंने खड़ा मसाला ले रखा है, ये मैंने खड़ी धनिया ले रखी है 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा ले रखा है और 1 टीस्पून मैंने सौंफ ले रखी है। अब हमने इधर तवा चढ़ा दिया है, गैस को करेंगे ऑन और ज़रा सा इसको भून लेंगे। जो भंडारे वाले आलू होते हैं ना, हलवाइयों का सबसे मेन यही मसाला होता है, ठीक है, जो स्वाद बहुत अच्छा आता है। और हल्का सा अगर हम भून लेंगे तो इसमें खुशबू बहुत अच्छी आने लगेगी। देखिए बस हल्की सी जब खुशबू आने लगे तो गैस की फ्लेम को ऑफ कर दीजिएगा और इसको 2 मिनट के लिए हम ठंडा करेंगे और इस खड़े मसाले को ठंडा होने के बाद हम दरदरा पीस लेंगे। चलिए सबसे पहले हम करते हैं गैस ऑन और गैस पे हमने कढ़ाई चढ़ा दी है। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून डालेंगे देसी घी, क्योंकि ये जो भंडारे वाले आलू बनते हैं ना, ये देसी घी में ी बनते हैं। ये देखिए हमने डाल दिया है 2 टेबल स्पून देसी घी। ये देखिए मैंने कुछ खड़ा मसाला ले रखा है, 2 तेज़पत्ते ले रखे हैं, 8 काली मिर्च ले रखी है, 1 बड़ी इलायची ले रखी है और 2 लौंग ले रखी हैं। ये जो खड़ा मसाला है हम इसमें डाल दे रहे हैं 3 तेज़पत्ते, 1 काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची और 1 लौंग। ये देखिए इसमें 1 चुटकी हींग डाल रहे हैं। ये मैंने 2 हरी मिर्चें बारीक काट लिए हैं। ये 1 इंच अदरक है, मैंने बारीक काट ली है, इसको भी, ये भी डाल देंगे हम। इसको हल्का सा हम भून लेंगे। ये जो हमने मसाला अभी दरदरा पीसा था वो ये है, इसमें डाल देंगे। गैस की फ्लेम को बिल्कुल मीडियम कर लीजिएगा। ये मैंने 3 टमाटर काट लिए हैं इस साइज़ में, ठीक है, वो भी हम इसमें डाल दे रहे हैं। टमाटर हमने डाल दिया है तो अब नमक तो बनता ही है, तो 1 टीस्पून हम इसमें नमक डाल रहे हैं जिससे हमारे टमाटर गल जाए। इसको अच्छे से पका लेंगे हम। ये मैंने 1/2 किलो आलू ले रखे हैं जिनको अच्छे से धोकर मैंने बॉईल कर लिया था। अब हम इनको पहले छील लेंगे। देखिए टमाटर हमारे पक रहे हैं, तब तक हमने आलू छील लिया है। इनको हम बता देते हैं कि इनको कैसे तोड़ना है। ये देखिए आलू लेंगे हम, इनको चाकू से नहीं काटेंगे, बस हाथों से, बस हल्का हल्का ऐसे फोड़ लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए सारे आलूओं को इसी तरह से फोड़ लीजिएगा, बस हल्के हाथ से आलू को फोड़ लीजिएगा, मैश नहीं करना है आलूओं को, ठीक है। 1 टीस्पून हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। वन टीस्पून डाल रहे हैं लाल पिसी मिर्च। 1 टीस्पून इसमें हल्दी डालेंगे। 1 टीस्पून इसमें भुना पिसा ज़ीरा डाल देंगे, अच्छे से चला लेंगे। और मसाले हमारे जले ना, इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं। देखिए टमाटर हमारा गल रहा है और हमने इसमें मसाले भी डाल दिए हैं। अब हम 2 मिनट के लिए इस पर लिड ढक के रख देंगे। लिड हटाते हैं
ये देखिए टमाटर भी हमारे अच्छे से गल रहे हैं। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून वाले आलू में फ्लेवर आता है ना, ये काली मिर्च, खड़े मसाले, इन्हीं सब से आता है। ये देखिए मैंने 3 हरी मिर्चें ले रखे हैं और उनको बीच में से चीरा लगा दिया है, वो भी हम इसमें डाल दे रहे हैं। देखिए मसाले हमने डाल दिए हैं, बस 2 मिनट के लिए हम इस पर लिड रखेंगे। लिड हटाएंगे, देख रहे हैं मसाले की क्या कलर आया है। ये देखिए कितना गजब का कलर आया है हमारे भंडारे वाले आलू के मसाले का। अब ये जो आलू हमने फोड़ के रखे थे वो हम इसमें डाल देंगे और इसको 1 मिनट के लिए पूरे आलू में मसाले को मिला लेंगे। ये देखिए 1 टेबल स्पून हमने ले रखी है कसूरी मेथी, उसको हाथों से रब करके इसमें डाल देंगे। ये 1 ग्लास पानी ले रखा है वो हम इसमें डालेंगे। देखिए हमने पहले भी 1 ग्लास पानी डाला था और 1/2 ग्लास पानी हम इसमें और डालेंगे। इसको अच्छे से चला लीजिएगा। और अब हम इसको 5 मिनट के लिए लिड से ढक देंगे मीडियम फ्लेम पे। ये देखिए रेडी हो गए हमारे भंडारे वाले आलू। अब हम इसकी लिड हटाते हैं। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है, देख रहे हैं। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सब्ज़ी आई है ना, भंडारे वाली सब्ज़ी हमारी हो गई है रेडी। गैस की फ्लेम को करेंगे मीडियम और हम इसमें अब डाल रहे हैं 1/2 टीस्पून काला नमक, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होता है। ये देखिए और इसके साथ पूरी हो जाए तो फिर मज़ा ही आ जाए। और इस पर लिड रख दे रहे हैं। दूसरी तरफ हमने ये 1/2 कलछुल ले रखा है देसी घी। गैस को करते हैं ऑन, जब हमारा घी थोड़ा सा हो जाएगा गर्म। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। ये देखिए ठीक है। देखिए भंडारे वाले आलू हमारे हो गए हैं रेडी। अब हम इनको करते हैं सर्व। आप देख रहे हैं ना कितनी आसान और कितनी लाजवाब ये रेसिपी है, जो आप लोग नहीं ट्राई करते हैं इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और ज़रूर बनाइएगा। फिर मुझे कमेंट करिएगा कि आपको ये भंडारे वाले आलू की सब्ज़ी कैसी लगी। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, पहली बार आप आए हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए सर्व करते हैं भंडारे वाले आलू की रेसिपी। ये देखिए ज़बरदस्त हमारे भंडारे वाले आलू रेडी हो गए हैं, लग रहे हैं ना लाजवाब। इसको ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा। अब हम इस पर करते हैं हरी धनिया से गार्निशिंग। ये देखिए परफेक्ट बने हैं हमारे भंडारे वाले आलू, सुपर। इसे ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, रखिए अपना ध्यान। बाय बाय, थैंक यू।